हेलो, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इन तीनों को अरेंज करना है एरोमेटिसिटी के ऑर्डर में। तो आपको पता है कि ये तीनों क्या है, एरोमेटिक है, तो एरोमेटिसिटी के ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे हम देखते हैं। इसकी सारी रिंग में क्या है, कार्बन से अलग यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर सल्फर है। तो इन तीनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन की। अब होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली नहीं देगा कॉन्जुगेशन के लिए, क्योंकि रिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है क्योंकि कॉन्जुगेटेड रिंग है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एरोमेटिसिटी है वो अफेक्ट करेगी, यानी कि एरोमेटिसिटी कम हो जाएगी। लेकिन जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम है, यानी सल्फर की, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजिली दे देगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो डिलोकलाइजेशन है, यानी कि जो पाई बॉन्ड घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं रिंग में, जिनकी वजह से कॉन्जुगेशन हो रहा है, वो इजिली हो पाएगा। इसका मतलब जो थायोफिन है वो इन तीनों में सबसे ज्यादा एरोमेटिक हो जाएगा। सबसे कम एरोमेटिक कौन होगा, फ्यूरान, और मीडियम कौन होगा, पाइरोल। तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या हुआ, यहाँ पर एरोमेटिसिटी का ऑर्डर हुआ सी देन बी देन ए। ओके,